हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आप सभी को स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा तीन का हिंदी बुक पाठ 12 कहानी। कहानी का नाम है गांधी जी की कहानी चित्रों की जुबानी। चित्र के माध्यम से हम कहानी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? चित्र से। ये जो चित्र में देख रहे हैं ये कौन है? महात्मा गांधी है, राष्ट्रीय पिता। महात्मा गांधी को क्या माना गया है? राष्ट्रीय पिता। गांधी जी की कहानी और चित्रों की जुबानी। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, ये जो चित्र देख रहे हैं किसका चित्र है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और इधर आगे वाला जो चित्र है, दूसरा चित्र है पोरबंदर। यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। यहाँ लिखा हुआ भी है पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, गांधी जी 7 साल की आयु में, ये जो देखिए ये जो तस्वीर दिख रहा है, ये महात्मा गांधी कितने उम्र में थे? 7 साल के उम्र का फोटो है गांधी जी का। उसके बाद है प्राथमिक विद्यालय राजकोट, यहाँ गांधी जी पढ़ते थे। राजकोट प्राथमिक विद्यालय, राजकोट से ही गांधी जी पढ़ाई की है अपना। यहाँ पढ़ते थे इस स्कूल में। कौन पढ़ते थे? गांधी जी पढ़ते थे। उसके बाद है नेक्स्ट चित्र दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ये सब जो तस्वीर है किसका है? महात्मा गांधी का। ये भी महात्मा गांधी का चित्र है। गांधी जी की, गांधी जी विभिन्न रूपों में, गांधी जी कितने रूपों में? अनेक रूपों में है ना। सब तस्वीर में अलग अलग रूप दिख रहा है ना, तो विभिन्न मैंने अलग अलग रूप में, विभिन्न रूप मैंने क्या हो गया? अलग अलग रूप में। इस चित्र से हम बहुत चीज सीख रहे हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में जान गए, जन्म के बारे में जान गए, कौन विद्यालय में पढ़े थे वो जान गए। ये देखिए यहाँ तस्वीर, गांधी जी और कस्तूरबा गांधी। कौन है? गांधी जी हैं और कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी है दोनों। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। बा बच्चों के साथ, और बा बच्चों के साथ पूरा देखिए है। यहाँ गांधी जी शांति निकेतन में, गांधी जी कहाँ बैठे हैं? शांति निकेतन में, ये देखिए बैठे हैं गांधी जी। उसके बाद यहाँ देखिए गुरुदेव के साथ, अपना गुरु जी के साथ बैठे हैं। कौन? गांधी जी गुरुदेव के साथ बैठे हैं। फिर नेक्स्ट चित्र देख लीजिए, पंडित नेहरू के साथ कहाँ बैठे हैं? पंडित नेहरू के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं दोनों। क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए रेल यात्रा, गांधी जी क्या कर रहे हैं? रेल यात्रा कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट चित्र दिया हुआ है महात्मा गांधी और कस्तूरबा चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। देखिए सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान का ये तस्वीर है। ये है महात्मा गांधी, ये उनका पत्नी है कस्तूरबा गांधी। अब यहाँ नेक्स्ट चित्र में देख लीजिए, 1934 के भूकंप के दौरान बिहार के दौरे पर निकले थे। कौन? गांधी जी निकले थे। 1934 में भूकंप आए थे, ठीक, कहाँ? बिहार में। गांव के लोगों के साथ बात करते हुए, देखिए गांधी जी गांव के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट चित्र देख लीजिए, यहाँ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ रामगढ़ कांग्रेस में 1940। उसके बाद है पटना में सीमांत गांधी के साथ महात्मा गांधी, पटना में सीमांत गांधी के साथ हैं। देखिए अलग अलग है ना तस्वीर। उसके बाद देखिए यहाँ फिर अलग अलग है, गांधी जी काम करते हुए देखिए चरखा चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं गांधी जी? चरखा चला रहे हैं, लिख रहे हैं, कपड़ा आयरन कर रहे हैं। गांधी जी की लिखावट, ये जो लिखावट है किनका है? गांधी जी का है।
अंतिम यात्रा, देखिए अंतिम यात्रा, बहुत भीड़ एकदम लगा हुआ है, यही अंतिम यात्रा। गांधी जी के उपयोग की वस्तुएं ये जो देख रहे हैं, चप्पल है, घड़ी है, चश्मा, थाली है, कटोरा है, ये सब क्या है? गांधी जी के उपयोग की वस्तुएं। गांधी की मूर्ति, ये क्या है? गांधी की मूर्ति। ये बात क्या है? गांधी संग्रहालय पटना। गांधी जी कहाँ है? संग्रहालय पटना में। यहाँ देखिए गांधी संग्रहालय पटना, गांधी संग्रहालय पटना, गांधी जी के नाम से ही संग्रहालय बना हुआ है। गांधी संग्रहालय पटना, पटना में है ये संग्रहालय। कहाँ है? पटना में है। उसके बाद है गांधी जी की समाधि, राजघाट नई दिल्ली में। गांधी जी की समाधि कहाँ है? राजघाट नई दिल्ली में। तो कितना चीज हम लोग सीख गए, ये सारा प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूछताछ करेंगे, पूछेंगे आप लोग से।